Everyone, it's me Sonakshi. Welcome back to my YouTube channel. So today in this video, I will be talking about everything you need to know about me. यानी कि अगर आप अभी class 11 में enter किए हो and if you don't have any knowledge about and if you want to become a doctor, if you wanted to pursue your career in medical field और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपको क्या करना है, exam देना पड़ेगा, क्या eligibility criteria होता है for becoming a doctor, for going to medical field, तो this video is going to be a pitch perfect video for all of you. So make sure to watch it till the end. अच्छा तो आज हम बात करने वाले हैं नीट की, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या एग्जामिनेशन. अगर इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम को देने के लिए यानी कि इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए यू हैव टू टेक पीसीबी एज योर स्ट्रीम इन योर क्लास 11. यानी इफ यू हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन और इफ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर. अगर हम बात करें इस एग्जाम के लिए जो तीन मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं तो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ये तीन सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इस एग्जाम के. ये तीन सब्जेक्ट होते हैं. इनफैक्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो 45 क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में, और बायोलॉजी की बात करें तो 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ बायोलॉजी पोर्शन. यानी कि 90 क्वेश्चंस आते हैं आपके बायोलॉजी से एंड इन टोटल देर आर 180 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर फॉर नीट. ओके एंड टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 720 मार्क्स होते हैं नीट के एग्जाम में. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लस 4 मार्क्स आर गोइंग टू गेट फॉर एवरी करेक्ट आंसर, माइनस 1 फॉर एवरी फॉर नेगेटिव मार्किंग होती है माइनस 1 की इफ यू हैव बबल्ड और इनसर्कल्ड अ रॉन्ग रॉन्ग आंसर इन दी ओमा शीट, देन देर विल बी माइनस 1 फ्रॉम योर टोटल. एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, फॉर लीविंग द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड देर विल बी 0 मार्क्स असाइन टू यू. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम लिमिट. सो ये आपको 3 घंटे मोर और लेस 3 आवर्स 25 मिनट समटाइम्स 20 मिनट्स एडिशनल आपको मिलेंगे. और अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया टू क्रैक. ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है. इसके रीजन की बात करूं तो काफी ज्यादा हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इसमें होता है और जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो काफी लो होता है. और ये 0.1% ऑफ द स्टूडेंट गेट सिलेक्टेड फॉर दिस फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, फॉर गेटिंग इन टू द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, विच इज क्वाइट अ लो रेशियो, राइट. इसलिए ये काफी डिफिकल्ट एग्जाम कंसिडर किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया. एंड 16 to 18 lakh स्टूडेंट्स पर ईयर अपेयर फॉर दिस एग्जाम, बट ओनली फ्यू गेट सिलेक्टेड. सिर्फ कुछ थाउजेंड्स ही कुछ चुनिंदा बच्चों का सिलेक्शन होता है, इसलिए ये काफी डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है. एंड इफ यू आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, मेक मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बाय बाय एंड सी यू.